तो आज हम देख रहे हैं कि फोटोशॉप के अंदर किस तरह से हम एक कोलाज बना सकते हैं लेयर मास्क के ऑप्शन को यूज़ करके। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किया और न्यू के लिए हमने एक साइज़ लेना है जो कि एक बैनर वगैरह का साइज़ हो सकता है। यहाँ से वेब पे ले लिया और वेब पे लेने के बाद यहाँ से हमने एक साइज़ ले लिया 1600x1200। इसके बाद आपने इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करना है, मतलब मैं इसकी हाइट थोड़ी कम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 1600 का आधा कर दिया यानी कि 800 की हाइट पे इसको बना लिया और यहाँ पे क्लिक करके 100 पिक्सल पे मैंने इसको सेट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 100 पिक्सल पे किया, ओके कर दिया, तो ये हमारे सामने एक न्यू फाइल हमारे सामने इस तरह से आ गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पर डबल क्लिक किया, अनलॉक किया, ओके कर लिया। अब कौन सी फोटोज़ मुझे इस पर लगानी है, पहले हम 3 फोटोज़ का बनाएंगे फिर 2 फोटोज़ का बनाएंगे कोलाज। तो यहाँ से कंट्रोल ओ किया, ओपन किया और कुछ फोटोज़ जो मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट्स में गया और यहाँ से मैंने लेटेस्ट किया और यहाँ से यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको कौन से 3 फोटोज़ को ये कोलाज क्रिएट करना है, तो वो रिलेवेंट फ़ोटो होने चाहिए। कंप्यूटर से रिलेवेंट है तो कंप्यूटर से रिलेवेंट फ़ोटो होने चाहिए, अगर कोई इसका क्लास रूम से रिलेटेड है तो वो 3 रिलेवेंट फ़ोटो होने चाहिए और इस तरह की चीज़ आपके पास होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से उनकी ममासलत हो जो चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये इस तरह के 3 फोटोज़ जो हैं ये अवेलेबल हैं, यानी कि 1, 2 और ये 3, ये तकरीबन तीनों एक जैसे फोटोज़ हैं और इनको हम दोनों का कोलाज बनाते तीनों का बनाते हैं। तो एक एक करके ओपन करेंगे तो पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर दोबारा से ओपन करके इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर दोबारा से ऐसे करना पड़ेगा और एक साथ तीनों को करना चाहें तो शिफ्ट का बटन होल्ड करें, दूसरी और फिर तीसरी फाइल पर क्लिक करें, तीनों सेलेक्ट हो गए, उसके बाद क्या करेंगे इसको ओपन कर देंगे। जैसे आप इसको ओपन कर देंगे तो तीनों पिक्चर्स ओपन हो जाएंगे। अब तीनों पिक्चर्स को एक एक करके आपने क्लिक करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी और इस पर क्लिक करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है और फिर उस फाइल को क्लोज कर देना है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज हो जाएगी। ओके, फिर इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी और इधर ला के आपने कंट्रोल वी कर देना है और इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू कर देना है एंड देन फिर क्लिक करके कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी और फिर इसको यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर देना है और यहाँ पे जाके क्लिक करके कंट्रोल डब्ल्यू कर देना है, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आप अपनी फाइल को सेव कर लें। फाइल में गए, सेव पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने जाके इस फाइल को सेव किया, डॉक्यूमेंट्स में जाके लेटेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं चला गया अपने फोल्डर के अंदर, पीएस फाइल के अंदर और यहाँ से मैंने एनर्जेटिक्स के नाम से एक फोल्डर ले लिया और यहाँ पे क्लिक करके क्लास 11 के नाम से हमने इसको ले लिया, सपोज टू बी कोलाज यूजिंग लेयर मास्क। ठीक है, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आएगा, मूव टूल ले लिया आपने, यहाँ से क्लिक कर लिया। अब आपको इसको कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई ये इस तरह से होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे और अगर आपको ये आइकन्स छोटे नजर आते हैं तो इनको बड़ा करने के लिए आप राइट बटन दबाएंगे। मैंने इसको वैसे नो थंबनेल्स करेंगे तो लेयर्स नजर आएंगी, स्मॉल फिर उससे आगे है मीडियम, फिर राइट बटन दबाएंगे और फिर ये लार्ज भी हो जाएंगे। तो मुझे ये वाली पिक्चर तो सेंटर में चाहिए, ये तो ठीक है ऑलरेडी, और ये वाली पिक्चर इसके ऊपर चाहिए, ये ऊपर आ गई और इसको उठा के मैंने क्या किया, इस पिक्चर को उठा के इसके लेफ्ट साइड पे ऐसे करके मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर इस तरह की है तो ये इसके साथ इस तरह से सेट हो जाएगी और ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ये देखिए और इस पर ये पिक्चर ओवरलैप करनी चाहिए। तो उसके बाद दूसरी पिक्चर पे मैंने क्लिक किया और उसको भी मैं इसके ऊपर ले आया और उसको उठा के यहाँ पे रख लिया और इसको इस साइड पर सेट कर दिया। अब मसला ये आ रहा था कि ये जो पिक्चर है दोनों की डायरेक्शन इस साइड है, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक पिक्चर सीधी है, एक की डायरेक्शन यहाँ है तो दूसरे की डायरेक्शन इस साइड होनी चाहिए। तो इसको हम करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, क्लिक करेंगे इस पर लेयर पर और जाएंगे एडिट पे और यहाँ से क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ से लेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे तो देखिए पिक्चर की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट हो गई और मेरा मसला हल हो गया। ठीक है, तो यह मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ रही है। अगर मैं इसका भी लैपटॉप छुपाना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका लैपटॉप नजर आ जाए। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से आ रहा है और ये इसका लैपटॉप इस तरह से आ रहा है। ओके, अब हमने करना क्या है, तीनों लेयर पे एक एक करके लेयर मास्क अप्लाई करना है। तो पहली लेयर पे लेयर मास्क अप्लाई किया, दूसरी लेयर पे लेयर मास्क अप्लाई किया, तीसरी लेयर पे लेयर मास्क अप्लाई किया और लेयर मास्क अप्लाई करने के बाद हमने पहले वाले लेयर मास्क पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल लेके इस मास्क पे क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर लेना है। इस दौरान में आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी ऑपेसिटी और फ्लो जो है आपका 100% पे होना चाहिए। अब होगा क्या कि हम इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे वो एरिया हाइड होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारी पहली पिक्चर ये है, तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, अब अगर मुझे लग रहा है कि इसका लैपटॉप यहाँ पे विजिबल होना चाहिए था तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करके ब्लैक कलर की जगह पे उस एरिया पे व्हाइट कलर लगाऊंगा तो वो विजिबिलिटी उसकी जाहिर हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, और मैं ये चाह रहा था कि नीचे वाला हिस्सा हाइड रहे तो उसको वहां पे क्लिक करके इसको ब्लैक कलर लगाएंगे।
ठीक है। सिमिलरली अब आएंगे हम इस वाली पिक्चर के ऊपर, इसके मास्क पे क्लिक करके और इसको भी यहाँ से हाइड करेंगे ब्लैक कलर से। ये देखिए, तो ये देखिए एक बेहतरीन किस्म का कोलाज बन गया जिसमें तीनों फोटोज एक साथ आपको नजर आ रही हैं और तीनों का बैकग्राउंड भी आपको सही तरह से इंटरमैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप कोलाज को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ करेक्शन की जरूरत है तो उसके मास्क पे क्लिक करके उसको और बेहतर तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुंह का फर्क आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देखें बेसिकली हो गया रहा है, ये एक फोटो है, ये इसके ऊपर आधी नजर आ रही है, ये दूसरी फोटो है, ये इसके ऊपर आधी नजर आ रही है, और ये तीसरी फोटो है, और ये इस पर अपना पीछे से शो कर रही है। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन सा कोलाज इस पर इजीली बना सकते हैं। अब ये जो कोलाज आपने इस पर बना लिया, अब इसके ऊपर कुछ आपका टेक्स्ट या टाइटल्स वगैरह ऐड करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेट्स सपोज अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का विंडो आ गया। अब इसके अंदर मुझे जो फॉन्ट्स पे लिखना है टेक्स्ट, वो मुझे क्या लिखना है, सपोज वुमेन आईटी एजुकेशन एम्पावरमेंट, ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ से मूव टूल को लेके क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल टी किया, अल्टर शिफ्ट के साथ ट्रांसफॉर्म को एक्टिवेट किया और इसको इस तरह से मैंने बड़ा करके दिखा दिया। अगर आपका फॉन्ट साइज और फॉन्ट का स्टाइल बेहतर है तो ठीक है, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ व्हाइट कलर के अंदर, तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर देंगे, क्लिक करेंगे तो व्हाइट कलर जब इस पर अप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, और जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये देखें इससे नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि व्हाइट कलर को अगर मैं किसी भी मल्टीपल कलर पे व्हाइट कलर डालता हूँ तो प्रॉब्लम ये आता है कि भाई वो जो कलर है उसके साथ मिक्स हो जाता है, मेरा टेक्स्ट दिख नहीं रहा। तो इसके लिए एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप लेंगे और उस शेप को ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, और ये शेप इसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा, उस शेप पे काला कलर देंगे, फिल में ब्लैक है और आउटलाइन खत्म कर देंगे। फिर मूव टूल लेके उस टेक्स्ट को उठा के उसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए कितना बेहतरीन नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन स्टाइल है तो परफेक्ट है, लेकिन आप चाहते हैं यार ये थोड़ा सा मेरा पिक्चर भी तो क्लियर हो, तो पिक्चर को क्लियर करने के लिए आप रेक्टेंगल वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ऑपेसिटी का, आप इस ऑपेसिटी को जितना कम करना चाहते हैं कर दें, और देखिए ये आपका टेक्स्ट भी विजिबल हो गया और पिक्चर के अंदर का जो पीछे उसके जो आ रहा है टेक्स्ट वो भी क्लियर हो गया और पीछे पिक्चर भी उसमें से विजिबल हो गई। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से बैनर और पोस्टर बना सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फाइल को सेव कर लें और अब इसकी बनाएंगे हम एक PNG फाइल। तो कैसे बनाएंगे, फाइल एंड देन करेंगे इसको एक्सपोर्ट सेव एज, और यहाँ से क्लिक करके हम क्लिक करेंगे PNG के ऊपर, और PNG पे क्लिक करके जहाँ सेव करना है इस PNG को वहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे, और इस पर हमने क्लिक किया और इसको सेव कर दिया तो ये हमारी एक PNG फाइल भी क्रिएट हुई। सही है, अब हम देखते हैं दो पिक्चर्स का कोलाज कैसे बनाएंगे। तो दो पिक्चर के कोलाज के लिए ये हमने प्रोसेस बनाया था रेक्टेंगल में, वो हम बनाएंगे स्क्वायर में, जैसे फेसबुक की पोस्ट बनती है। तो फाइल में जाके न्यू करेंगे, यहाँ से जाके वेब पे क्लिक करेंगे, वेब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक साइज लेंगे जैसे सपोज टू बी 800x600 और उसको पूरा कर देंगे फिर बाद में 800x800, मतलब वैसे उसका जो फेसबुक का है वो है 1200x1200 स्क्वायर में पोस्ट जो बनती है, 100 का पिक्सल लेंगे और उसको ओके कर देंगे, ये क्लियर करके। अब इसके ऊपर जो फोटोज लगाने हैं वो किस तरह के लगाने हैं और उस पर क्या होगा, कंट्रोल ओ किया और मैंने यहाँ से किया डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से क्लिक करके मैंने क्लिक किया लेटेस्ट के ऊपर, और लेटेस्ट पे क्लिक करके मैंने यहाँ से लिया एक स्टाइल जैसे कि सपोज टू बी क्लिक किया, कोई भी दो कंप्यूटर्स मैंने ले लिए जो मुझे आपस में दिखाने हैं। ठीक है, चले इन दो पिक्चर्स को कर लेते हैं, आपस में कोलाज बना लें, इन दो पिक्चर्स का भी कोलाज बन सकता है। और अगर हम देखें तो ये वाली दो पिक्चर्स का एक कोलाज बनाते हैं, एक ये वाली ले लेते हैं और एक ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को लेके एक कोलाज बनाते हैं, क्लिक किया यहाँ पे और दोनों आ गए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और उस पर आके हमने अपनी फाइल पे कंट्रोल वी किया एंड देन फिर इसको कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, फिर यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और यहाँ से कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया। अब इसको यहाँ पे रखेंगे दोनों पिक्चर्स को। अब इनके अंदर कुछ बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट भी है, ठीक है, तो ये भी जहन में रखना है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लेंगे कि ये हिस्सा हमने ऐसे ले लिया और फिर यहाँ पे क्लिक करके इस पिक्चर का कुछ हिस्सा हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, ओके, ये पिक्चर इसको ओवरलैप कर रही है।
इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको भी एक मास्क दे दिया और इस पर क्लिक करके इसको भी एक मास्क दे दिया। क्लिक कर दें यहाँ पे ब्रश ले लें। अब ब्रश के बाद आपने इसको इस तरीके से कर देना है। तो ये देखिए, ये हमने इसका एक अच्छा सा कोलाज बना दिया, देख रहे हैं? ठीक है, अब लग ही नहीं रहा, ये पिक्चर दो अलग अलग है, दोनों पिक्चर सेम लग रही हैं, तो ये बन गया। तो हमने यहाँ पे अब क्या किया, अब इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए, इसके लिए जो मैसेज हमें लिखना था उसके लिए हमने नीचे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना दिए। एक टेक्स्ट बॉक्स ये ले लिया और उस पर क्लिक करके कंट्रोल जे किया, इसकी डुप्लीकेट लेयर करी और एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ये ले लिया। ठीक है, इस पर हमने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर अगर हम नीचे ब्लैक कलर रख लें तो इसका नीचे वाले का कलर हम यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पे डार्क रेड कलर ले लेते हैं। ये देखिए, ये कलर्स आपको टेक्स्ट दिखाने के लिए, विजिबिलिटी के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लिक करके पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। क्या टेक्स्ट ले लेते हैं और उसके लिए भी हम फॉन्ट बेहतर कोई चूज करते हैं और यहां पे लिख रहे हैं यहां पे क्लिक किया। लिखने के बाद हमने ये लिखा, उसके बाद क्लिक किया और उसको मूव टूल लिया। अब इस पे हम ये पूरा दिखाना चाह रहे हैं, कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ऑल्टर के साथ ऐसे स्ट्रेच कर दिया। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके अंदर बैनर टेक्स्ट ऐड कर दिया, सही है? इसके बाद आपने क्या किया, टेक्स्ट लिया नीचे और यहाँ पे क्लिक करके लिख दिया के, क्लिक किया आपने और ये चीज भी आपने नीचे ऐड कर दी, कंट्रोल टी अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा छोटा किया और जब ये छोटा हो गया तो फिर आपने इसको थोड़ा अल्टर के साथ और इस तरह से थोड़ा सा बड़ा किया। जब ये दोनों साइड पे पहुंच गया तो अल्टर के साथ आपने इसको ऐसे बड़ा किया, तो ये देखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों पे व्हाइट कलर दे दिया तो यूजर की इंटेंशन जो है थोड़ी सी डाइवर्ट हो सकती है, तो एक का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इस वाले को क्लिक किया टेक्स्ट पे और यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसका जो कलर है वो कन्वर्ट कर दिया हमने येलो के अंदर। ठीक है, तो ये देखें ब्लैक के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बना है और ये आपका बैनर तैयार हो गया, सेव कर दिया। अब आइए इसकी भी PNG बना लेते हैं, सेव इस कर देते हैं और यहाँ से जाके क्लिक करेंगे PNG के ऊपर और उसको भी जाके हम सेव कर देते हैं अपने पिक्चर्स के अंदर। यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, ये लीजिए। तो इस तरह से बड़े ज़बरदस्त दो चार पिक्चर्स को मिक्स करके आप कोलाज बना सकते हैं और बेहतर किस्म के पोस्टर्स, बैनर्स और अपनी फोटोज़ के भी बहुत अच्छे से कोलाज बना सकते हैं दो तीन लगा के।